हमारे साथ ईटीना स्वदेश से वारी ग्रुप के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश जोशी साहब हैं। वारी ग्रुप एक एनर्जी ट्रांजिशन की कंपनी है और हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है उसके अंदर जो एक नया चक्र है चालू हो चुका है। इंडिया आईटी सर्विसेज में तो हमें पता है बड़ा है, मगर मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कब हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या क्या हो रहा है उस पे चर्चा करते हैं हितेश जी से। हम और उनसे समझेंगे कि सोलर पूरे सेक्टर को लेकर के इस समय क्या क्या रणनीतियां हैं, सरकार क्या कर सकती है, और आने वाले समय में क्या हिंदुस्तान के अंदर जो आप बिजली की कीमत है वो नीचे आ सकती है। तो हितेश जी, पहले तो इतना स्वदेश में हम बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। आप इतनी तकलीफ लेके नहीं नहीं आए थैंक यू वेरी और मच, इतना लंबा ड्राइविंग करके नहीं आए, नहीं थैंक बहुत यू बहुत वेरी मच, आभार थैंक यू आपका। वेरी मच। इंडिया की जो एक इमेज है वो है कि भाई हम आईटी एक्सपोर्टर में बड़े हैं, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम चीज इंपोर्ट करते हैं, मगर वारी ग्रुप में ऐसा नहीं है। आप एक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हैं जो कि टेक्नोलॉजी डोमिनेटेड है और आपका 70% से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है, तो ऐसा आप क्या कमाल करते हैं? सबसे पहले तो जो चीज़ हम बनाते हैं वो इंडिया के लिए नहीं बनाते, सारी दुनिया के लिए बनाते हैं। अच्छा तो नेचुरली दुनिया के जो भी ग्राहकों की जो ज़रूरतें हैं उसको देख के ही पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। और पर्टिकुलरली सोलार में हम लोग 2007 में आए, ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग में 1989 से हूँ। प्रेशर गेज थर्मामीटर जो हम बनाते थे वहाँ भी 60% हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। तो कल्चर इस कंपनी का आप ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो सारी दुनिया में चले, ये एक कल्चर रहा है। और उसके लिए जो कुछ करना पड़े, सर्टिफिकेशन, अप्रूवल्स, टेस्टिंग, आज हम लोगों ने इंडिया की सबसे बड़ी टेस्टिंग लैब इन हाउस बनाई है, जो शायद दुनिया की किसी मैन्युफैक्चर के पास NABL एक्रेडिटेड लैब हो, ऐसी अकेली कंपनी है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें अगर आप कर लो तो आप दुनिया के लिए प्रोडक्ट बनाइए, कोई इश्यू नहीं है, वो हमारा अनुभव है। जो सोलर सेक्टर रहा है इसके अंदर हम कई एक तो बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मगर हम दूसरी तरह देख रहे हैं कि इस सेक्टर के अंदर काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, पॉलिसी लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, एक्सपोर्ट लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, तो सेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले कि सूरज से बिजली बनाकर वो सबसे सस्ती हो सकती है, सबसे जल्दी पावर प्लांट लग सकता है, और हम एनवायरनमेंट को ग्रीन भी ज़्यादा कर रहे हैं। ये समझ लोगों में एक साथ बहुत ज़बरदस्त आ गई है, लोगों ने समझ के इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया है। तो नेचुरली जब डिमांड बढ़ती है, कॉस्ट डाउन होती है, तो टेक्नोलॉजी के लिए प्रोडक्ट वैसे डेवलप होना शुरू होता है। और वो एग्जैक्टली सोलार इंडस्ट्री में हुआ। जब मैं आया तब सोलार की बिजली 17-18 रुपए में हम लोग बेच रहे थे, 2008-09 सोलार की में, अच्छा इवन 2010 में गुजरात में उस वक्त जो डेवलपमेंट हुआ और पहला पॉलिसी जो आया तो 12-13 रुपए की बात थी। आज वो बिजली आप देख रहे हैं 2 रुपए से लेकर 2 रुपए 80 पैसे के बीच में, लास्ट 3-4 सालों में हमने टेंडर्स देखा है। इससे ये हुआ कि पूरी वैल्यू चेन पे प्रेशर आया कि और आप क्या अच्छा कर सकते हो जिससे सोलर का उपयोग और बढ़े, और ये सबसे बड़ा चेंज हुआ। तो आप जब बिजली 12 से 13 रुपए में बेचते थे, क्योंकि आप सोलर पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं, उसकी डिमांड और उसका जो कॉस्टिंग का अलग था। जी अब जो बिजली आप बेच रहे हैं सोलर में 2.5 से 3 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसकी डिमांड और जो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इस गिरते हुए सिनारियों में एक आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जी जी आप कैसे सस्टेन करेंगे? जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ 2 या 3 साल में टेक्नोलॉजी को चेंज होना है, नंबर 1। नंबर 2, जो कॉस्ट आनी है उसको नीचे लेके आनी है। तो पूरा जो हमारा बिजनेस मॉडल बनता है वो इसी तरह से बनता है कि अगले 3 साल के बाद, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में कहो कि भी अभी ये मॉडल आ गया, इसके बाद का वर्जन रेडी होना चाहिए, वो एग्जैक्टली सोलार में अभी चल रहा है। और उसमें वारी फोरफ्रंट पे रहा है। अगर आप देखें तो इंडिया में पहले मैन्युफैक्चर है जिन्होंने सोलार में आज 200 से ज़्यादा नए प्रोडक्ट हमने यहाँ दिए हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, अलग मार्केट के लिए। इस इंडस्ट्री के अंदर दबदबा चाइना का रहा है जी और हम ये समझ रहे हैं कि ग्लोबली चाइना प्लस वन की पॉलिसियां आ रही हैं, हाँ, तो क्या उसकी वजह से आपका बेनिफिट हुआ? कितना बेनिफिट हुआ? डेफिनेटली बेनिफिट हुआ, क्योंकि इंडिया की बात करें तो इंडिया में 95% सोलर पैनल्स चाइना से आ रहे थे। सरकार ने जो पॉलिसियां बनाई है नाइन्टी अभी फाइव परसेंट यूएस में चाइना से आ रही थी, इंडिया में इंडिया में। अच्छा और सारी दुनिया में, हाँ जी आज भी सारी दुनिया की
95% सोलार वेफर चाइना में बनती है। तो मेक इन इंडिया पॉलिसी आई, यूनाइटेड स्टेट्स में फोर्स लेबर के एक्ट आए, एंटी डंपिंग पॉलिसीज आई, उससे डेफिनेटली सारी दुनिया को, खाली इंडिया को नहीं, वियतनाम को भी फायदा हुआ, टर्की को भी हुआ और जर्मनी को भी हुआ, सारी दुनिया को ये फायदा हुआ। इंडिया में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ मेक इन इंडिया की डिमांड बढ़ने से। और डेफिनेटली वारी 15 साल से इसमें है, जब हम आए तब तो इंडिया में कोई सोलार नहीं था, तो उसका बेनिफिट भी वारी को स्केल का मिला। तो ऐसा कमाल क्या हुआ सर, कोविड से पहले आपकी ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ की, तो 50,000 करोड़ की हो गई है, 3-3.5 साल के अंदर 40,000 करोड़ का इजाफा, यानी 4 गुना बढ़ गई है। तो ऐसा आपने छक्का क्या मारा है? सोलर तो पहले भी था, सूरज तो पहले भी था, चाइना तो पहले भी था। मैं ये कहता हूँ कस्टमर का भरोसा। अच्छा, और कुछ लोगों ने उनका भरोसा तोड़ा, तो उन्होंने उनकी जगह हमें चूज किया। ऑफ कोर्स कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सारा हम लोग करते गए। बैंकेबिलिटी चाहिए, अगर आप उनके बैंक के व्हाइट लिस्ट में आप नहीं है तो आपको काम नहीं मिलता है। तो काफी इकोसिस्टम होती है ये, वो वारी 10 साल से काम कर ही रही थी, और राइट टाइम राइट प्लेस हम लोग थे, उसका एडवांटेज हमें मिला। वारी ग्रुप के CMD हितेश जोशी निकुंज के साथ बातचीत करते हुए।